हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 9 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। आप लोग वीडियो की डिटेल भी देखा करें क्योंकि वहां पर आप लोगों के एक दो क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य ही शिक्षा को प्राथमिकता और बढ़ावा देना है। विश्व साक्षरता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। अब यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहला जो विश्व साक्षरता दिवस था वो कब मनाया गया था? तो पहला जो साक्षरता दिवस था वो 1966 में मनाया गया था और साल 2009 और 2010 से संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दिवस घोषित किया गया था और इस साल विश्व साक्षरता दिवस वैश्विक महामारी के बीच मनाया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, किस राज्य में स्पीकर टीचर पढ़ाने आते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्पीकर टीचर पढ़ाने आते हैं। अब ये स्पीकर टीचर होते क्या हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन्हें स्पीकर टीचर पढ़ाने आते हैं। अब ये स्पीकर टीचर हैं क्या, तो आगे चलकर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो महाराष्ट्र के 35 गाँव में चल रहा ये बोलता स्कूल स्पीकर टीचर पहली से आठवीं तक के बच्चों को रोज सुबह 8 बजे पढ़ाने आते हैं और ये क्लास होती है वो कितने घंटे की चलती है, तो 2.5 घंटे की क्लास चलती है। तो ये स्पीकर टीचर ये एक ऐसी स्पीकर हैं जिनमें पहले से ही टीचर से सिलेबस के अकॉर्डिंग उनसे क्लासेस रिकॉर्ड करवाई जाती हैं, फिर बच्चों के बीच में ये स्पीकर रख दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू और बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। और ये शुरू किसने किया है, तो दिग्गज स्वराज फाउंडेशन स्कूल ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन देश से सबमरीन न खरीदने का फैसला किया है? तो हाल ही में थाईलैंड देश ने चीन देश से सबमरीन न खरीदने का फैसला किया है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो थाईलैंड को एक वक्त चीन सबसे करीबी मित्र राष्ट्रों में गिना जाता था। पहले क्या होता था कि चीन देश का जो सबसे करीबी मित्रों में जो राष्ट्र आते थे वो थाईलैंड भी था और थाईलैंड सरकार ने चीन को नुकसान पहुंचाने वाले 2 बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन अब क्या है, चीन के खिलाफ सारे ही देश हैं, तो थाईलैंड ने भी अब चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक कौन सा फैसला लिया है, तो पहला फैसला लिया है जो 2017 में हुई सबमरीन डील जो हुई थी उसे कैंसिल कर दिया है और दूसरा क्या किया है, बंगाल की खाड़ी में नहर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चीन को देने से इनकार कर दिया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले चीन को दिया गया था लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है वे कौन थे? तो हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे। अब ये अभिनेता किस इंडस्ट्री के थे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टिव एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है और मंगलवार सुबह 74 साल के रेड्डी को गुट्टूर आंध्र प्रदेश स्थित अपने ही घर में क्या आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था और उसी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फाडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाडा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं बिकेश गुलाटी। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले फाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन होती है। तो फाडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में विकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया है और विकेश गुलाटी वर्ष 2020 से कब तक काम करेंगे, तो 2020 से 2022 तक काम करेंगे। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आशीष हर्ष राज काले की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे, आशीष हर्ष राज की। अच्छा, फाडा की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1964 में और फाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं,
स्पैरो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो स्पैरो सिस्टम लॉन्च हुआ है वो मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। किसकी? ये जो स्पैरो है ये एक ऑनलाइन विंडो है, इसकी शुरुआत की है। इन्होंने अधिकारियों के कार्य की बेहतर निगरानी और समय से काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस प्रणाली को शुरू किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर इयान वेल ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में इंग्लैंड देश के क्रिकेटर इयान वेल ने संन्यास की घोषणा की है। अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो इंग्लैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयान वेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वर्ष 2004 में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने पूरे करियर में कितने मैच खेले हैं? तो 118 टेस्ट मैच और 121 एक दिवसीय मैच और 8 T20 मैच खेले हैं और उन्हें 2013 में प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक के अध्यक्ष राजीव लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में IDFC बैंक के जो अध्यक्ष हैं राजीव लाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कब से कब तक इस पद पर कार्यरत थे और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो निजी क्षेत्र के IDFC फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव बी लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने यह इस्तीफा लंबे समय से चल रहे क्यों दिया है, क्योंकि इनका जो हेल्थ है वो सही नहीं है। और राजीव लाल कब से काम कर रहे हैं? तो 2015 से IDFC फर्स्ट बैंक के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्वर्टोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में गुनमीत सिंह चौहान ने इन्वर्टोनॉमिक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो इस पुस्तक ये जो पुस्तक है वो किसके बारे में है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। और गुनमीत सिंह को इस पुस्तक को लिखने में कितने साल लगे हैं? तो 6 साल लग गए हैं। और जिसमें उन्होंने इस बुक में बताया क्या है, तो इन्होंने दैनिक जीवन के आम मुद्दों के समाधान के 8 परिवर्तनकारी विचारों का उल्लेख किया है। और उसमें जो 8 परिवर्तन है वो किस किस चीज़ में आते हैं, तो जिसमें स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच, शिक्षा, स्मार्ट कचरा प्रबंधन, महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर और पैदल यात्री सुरक्षा शामिल की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI कर लिया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने जो नाम है उसका नाम बदलकर VI का ऐलान कर दिया है, VI नाम रखने का ऐलान कर दिया है। यानी वोडाफोन का V रहेगा और आइडिया का I मिलाकर VI के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही कंपनी ने अपनी जो पंच लाइन थी उसको भी बदलकर टुगेदर फॉर टुमारो कर दिया है। अब आते हैं हम आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई कब मनाया गया है? 5 सितंबर को मनाया गया है, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को या फिर 4 सितंबर को? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।